नमस्ते, अगर आप एक्ने पिंपल से परेशान हो तो ये रेमेडी आपके लिए है। ये मैं बनाने जा रही हूँ ट्राइकलर इंग्रेडिएंट और रियल चंदन लकड़ी के साथ। वाइट इंग्रेडिएंट में हम ले रहे हैं 1 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी। जब ये ड्राई हो जाता है ये पैक वाइट कलर दिखता है। नेक्स्ट लेना है ऑरेंज रोज फ्लावर पेटल्स 3-4। साथ में हम ऐड कर रहे हैं 1/2 टीस्पून चंदन पाउडर। चंदन पाउडर का फेस पैक जब ड्राई होता है वाइट कलर दिखता है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं अपराजिता फ्लावर पेटल्स ब्लू कलर के, जिसे बटरफ्लाई पी फ्लावर भी बोलते हैं। तो ये चारों इंग्रेडिएंट को हम रोज़ वाटर ऐड करके सोक करके रखेंगे। इसमें हम पानी नहीं ऐड करेंगे, तो थोड़ा सा पहले हम ऐड करेंगे। उसके बाद अगर ये ड्राई हो जाता है तो हम बाद में और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। ये कम्प्लीटली रोज़ वाटर में डिप होना चाहिए। गुलाब के फूल, चंदन, मुल्तानी मिट्टी और अपराजिता फ्लावर, ये चारों इंग्रेडिएंट के साथ लास्ट में हम और एक इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, और थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करके मैंने अच्छे से सोक करके रखी 15 to 20 मिनट्स। उसके बाद सिर्फ जो पेटल्स है उसे मैंने सेपरेट कर लिया है, और ये है रियल चंदन के लकड़ी। तो इसके साथ हमें घिसना है ताकि ये चंदन का पाउडर भी थोड़ा थोड़ा उसमें मिक्स हो जाएगा। और इस तरह से घिस के उसका मतलब क्रश करके पेस्ट के जैसे बना के हमारा जो इंग्रेडिएंट है मुल्तानी मिट्टी और चंदन का उसमें ऐड कर देना है। और सारे इंग्रेडिएंट के साथ लास्ट में ऐड करना है हल्दी के पाउडर। एक चुटकी हल्दी के पाउडर ऐड करके बस अच्छे से मिला देना है। फ्रेंड्स, ये रेमेडी इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि अगर आप रात को अप्लाई करके सो जाते हो और सुबह आप वॉश करते हो तो रातों रात पिंपल्स रिड्यूस हो जाता है। हर एक स्किन टाइप के लिए बेनिफिशियल है, और सिर्फ ये पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स के लिए भी नहीं है, ये ग्लोइंग स्किन बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। रेमेडी अच्छे लगे लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।